बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भाई, मैं डॉक्टर जोखी हूँ और इत्तफाक से पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, और उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बेसिकली एपिडेमोलॉजिस्ट हूँ, और मैं इस तवासत से आपको बताऊँगा व्हाट वी मीन बाय हेल्थ केयर एंड इन कराची व्हाट आर दी चैलेंजेस एंड हाउ टू सी फ्यूचर, हाउ टू रिजॉल्व देम। इस हवाले से तो बात होती रहेगी, लेकिन बेसिक में स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बता के उसके बाद फिर दूसरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आपके क्वेश्चंस हैं वो बात निकलेगी, तो बात से बात कहीं तक जाके पहुँचेंगी। पब्लिक सेक्टर से वाबस्ता रहा हूँ और इत्तफाक से राइट फ्राम द पॉलिसी प्लानिंग डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग मॉनिटरिंग एवल्यूशन इन सारे शोबों में मैंने काम किया है पब्लिक सेक्टर में और थ्रू आउट सिंध प्रोविंस, कराची उसका एक हिस्सा है। तो चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो, चाहे सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम हो, टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम हो, हमारे पास एनजीओज हैं, कहाँ क्या मसला है उससे हर लेवल पे मैंने काम किया है, राइट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर अप टू द लेवल ऑफ द सेक्रेटरी हेल्थ और उससे भी ऊपर, फिर मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट एनजीओस के साथ और प्राइवेट में, गवर्नमेंट में और अंदर और बाहर। और हमारा हेल्थ सिस्टम बनता कैसे है, बेसिक बुनियाद किस पे, जिस पे हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, हेल्थ केयर सिस्टम जिस पे खड़ा हो, उसके तीन चार हिस्से हैं बेसिकली। उसको अगर समझा जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड देन वी कैन रिजॉल्व द सॉल्यूशन, गिव द सॉल्यूशन। भाई यहाँ तो आपकी कंट्री वेलफेयर है या उसके अलावा है, आपका इलेक्ट्रोल सिस्टम है उसके बेसिस पे, या तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो जो वो डिसाइड करे कि भाई क्या हेल्थ सर्विसेज हमने लानी है जो यहाँ हो रहा है, ये तो सबसे बड़ी ये चीज़ है। दूसरा क्रिएशन ऑफ हेल्थ सिस्टम जो है ना वो एपिडेमोलॉजिकल है, कि एपिडेमोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि भाई हमारे पास हेल्थ केयर का मसला क्या है, कहाँ है, किसका ज़्यादा है, औरतों और बच्चों का ज़्यादा मसला है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ का मसला ज़्यादा है, डॉक्टर वासे का जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी ब्रेन अभी स्ट्रोक बढ़ रहा है मिसाल के तौर पर, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मसाइल अभी बढ़ रहे हैं कमर हैं, तो एपिडेमोलॉजिस्ट आपको बताएगा। वो मॉडल फॉर द क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, व्हाट आर द सर्विसेज नीडेड फॉर होम, किसको चाहिए, कौन इन्वॉल्व हो रहा है, किस एज का ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, उसके लिए बनाए, कहाँ बनाए, किधर बनाए और उसको कैसे रिजॉल्व करें, या तो ये सिस्टम हो। फिर जैसे और डेवलप्ड कंट्रीज में इंश्योरेंस सिस्टम है आपका, भैया आपने जाके पैसे दिए, आपकी तनख्वाह से कट गया, आपकी इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी सर्विसेज होगी वो भी होगी। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं, बस किस्मती से हमें जो मॉडल मिला, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, हमारे भाई डिस्पेंसरी, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे आ गए, तलका तहसील लेवल हॉस्पिटल बनी, इधर अदर हॉस्पिटल्स बनी कराची में, उसके बाद टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल बनी पब्लिक सेक्टर में। मुसीबत यह है कि पब्लिक सेक्टर के साथ सच पूछें कि मैंने जो देखा है कि सर्विसेज कहीं कहीं तो डुप्लीकेशन है, और सबसे बड़ा फुकदान तो हमारा कोऑर्डिनेशन का नहीं है। हम कहते हैं कि भाई 20% पब्लिक सेक्टर देखता है, 80% तो प्राइवेट सेक्टर देखता है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे नहीं है। पब्लिक सेक्टर की आप देखें, आप आर्मी को देखें, आप रेलवे को देखें, पीआई को देखें, आप सोशल सिक्योरिटी की हॉस्पिटल्स देखें, ये क्या पब्लिक सेक्टर की नहीं है क्या? ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है, उनको भी ग्रांट जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिस्टम इंटरलिंक्ड होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है क्या है, एक ही फैमिली में आप देखेंगे उसका बाप आर्मी में होगा तो वहाँ से भी सर्विसेज ले रहा है,
आपका रेलवे में होगा, उसकी बहन या कोई और सोशल सिक्योरिटी वहाँ से भी ले रहा है, आर्मी से भी ले रहा है, उधर से भी ले रहा है, तो ये डुप्लीकेशन भी सर्विसेज है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी मुसीबत गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के लिए ये है कि भाई 90s में, अर्ली 90s 80s में इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन सम ने कहा भाई अल्माटा प्राइमरी हेल्थ केयर, उस पर जोर दो, 6-8 एलिमेंट्स हैं उस पर आप जोर दें। हर कंट्री को कर दिया कि भाई इसके अलावा आप देखें कि आपका मसला इसके ज़्यादा और क्या है, उसके बेसिस पे हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी, लूली लंगड़ी जो भी बनी। फिर मुशरफ साहब आए 2001 में एक हेल्थ पॉलिसी दे दी, और वो हेल्थ पॉलिसी तो नहीं ली लेकिन नाम उसको दिया गया, सबसे ज़्यादा काम उस पर सिंध प्रोविंस ने किया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर 2007 में आई, 9 में आई, रिपीट होती रही, 12 में आई, कभी हम 8th अमेंडमेंट लाते हैं। लेकिन उस प्राइमरी हेल्थ केयर अल्माटा डिक्लेरेशन के बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, WHO ने कहा नई हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। अरे भाई अभी हमने प्राइमरी हेल्थ केयर कोई एड्रेस नहीं किया है, अभी हेल्थ फॉर ऑल को कहाँ बैठेंगे, अभी हमने उसको भी टच नहीं किया, उसको ही सॉल्यूशन पे नहीं आए कि भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 ये टारगेट्स पूरे कर। अरे भाई हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का अभी तक जो है ना टारगेट्स ही पूरे नहीं हुए हैं, हेल्थ फॉर ऑल के नहीं हुए हैं, तो मिलेनियम अभी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ही नहीं पूरे हुए हैं, तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ रहे हैं। यार अभी हम बेसिक में ही फंसे हुए हैं, हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर ही नहीं आ रहे हैं। मैं तो बैठ के अभी कराची की बता दूंगा कि भाई इतने अर्बन हेल्थ सेंटर हैं, इतने रूरल हेल्थ सेंटर हैं, इतनी LHW काम कर रही हैं, लेकिन कहाँ काम कर रही हैं, वो किधर काम कर रही है, व्हाट इज़ द क्वालिटी, वेयर इज़ दैट, हु इज़ लुकिंग आफ्टर द क्वालिटी। हेल्थ केयर कमीशन बिल बना 2012-13 में यार एक पास हुआ, उसके बाद हेल्थ केयर सिंध हेल्थ केयर कमीशन अभी सपोज टू सी दी स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक सेक्टर इन प्राइवेट सेक्टर, क्या कर रहा है यार, कितने साल हो गए, हम कितने साल और उसको दें। पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है यार, वही हर्निया की ऑपरेशन एक जगह 10,000 में, एक जगह 15,000 में, एक जगह 2,00,000 भी खर्च हो रहा है, स्टैंडर्ड्स क्या है। तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज, उस पर बात हो सकती है। मैंने कहा कि मैंने हर लेवल पे काम किया है और मैं आपको इनसाइड विथ एविडेंस के साथ बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या हमारी अभी मुसीबत ये है कि डिफरेंट माफियाज आ गए प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के, ड्रग कंपनीज के। यार क्या पता है किसको देखें, इंसानियत जो हेल्थ केयर है हम तो उससे दूर हो गए। उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिस जुर्म की तरफ बहुत से मुकर्रीन ने इशारा किया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम भी इस जुर्म के इस वक्त मुर्तकिब हो रहे हैं, और वो ये है कि हेल्थ केयर का बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुक है इन सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। और अगर जिस तरह से भट्टी साहब ने भी जिक्र किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी मुश्किलात हैं और ये हेल्थ से बहुत क्लोजली मुंसलिक हैं, और मैं जमात इस्लामी का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने कम से कम हेल्थ पर फोकस करते हुए बात की। लेकिन आप इस जुर्म से मुबर्रा नहीं होंगे तब तक जब तक कि आप जो प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान या कराची को आप इन्वॉल्व करेंगे इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सैनिटेशन एज वेल एज वाटर सप्लाई। तो जब तक आप एक मुश्तरक फोरम ऐसे नहीं बनाएंगे तब तक आप हेल्थ के इश्यूज को आइसोलेशन में, इन टोटल कहना चाहिए कि इन कोऑर्डिनेशन में आप जब भी हेल्थ को डिस्कस करेंगे, माफ़ कीजिएगा, उसका नतीजा वही होगा जो 70 साल से हम भुगत रहे हैं कि हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। शुक्रिया। शुक्रिया जी। एक मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलूँगा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के हवाले से। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और मेरा सेंटेंस ये है कि इफ़ टुडे वी जस्ट प्रोवाइड बेटर वाटर सप्लाई, प्योर वाटर सप्लाई एंड फोकस्ड ऑन वाटर सैनिटेशन,
60% हेल्थ केयर विल बी वेल सर।